उदयपुर नगर निगम बोर्ड में बैठक में हंगामा। कांग्रेसी पार्षदों ने बजट बैठक के दौरान तख्तियां दिखाई। यूआईटी से हस्तांतरित 272 प्लॉट के आवंटन और चंपा बाग से जुड़े भूमि प्रकरण की एसओजी से जांच की मांग। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सामने नारेबाजी की। तो ये नारेबाजी करते हुए तख्तियां दिखाते हुए नजर आए कांग्रेस के जो पार्षद है, उन्होंने बजट बैठक में ये तख्तियां दिखाई और साथ ही साथ नारेबाजी भी की नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सामने। उदयपुर नगर निगम बोर्ड बैठक में हंगामा और कांग्रेसी पार्षदों ने बजट बैठक के दौरान तख्तियां दिखाई, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रवि तो आज हंगामेदार रहा, क्योंकि बैठक होनी थी और बैठक के दौरान तख्तियां नजर आई। जो कांग्रेसी पार्षद हैं वो तख्तियां दिखाते नजर आए, विरोध करते नजर आए। बिल्कुल, देखिए मेगा, इस बात में कोई दोराय नहीं है कि हमेशा की तरह आज की जो बजट बैठक थी नगर निगम बोर्ड की, हंगामेदार रही। करीब 385 करोड़ का बजट जो है शहर विकास के लिए पास होना था, लेकिन उससे पहले जो विपक्ष में बैठे कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से दो बड़ी मांगे उठाई। पहली ये, जो लंबे समय से एक मसला चल रहा है 272 भूखंडों का, जो कि पिछले कुछ वर्षों पहले यूआईटी से हस्तांतरित होकर निगम को मिले थे, लेकिन उनको आवंटन और ऑक्शन करने के बजाय उन पर जो है कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, जिनमें भाजपा के कुछ लोगों के शामिल होने की भी बात है। और दूसरी बात, चंपा बाग का जो इशू था, जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लिए अलॉटेड जमीन थी जिस पर अतिक्रमण हुए, इन दोनों ही मामलों में कांग्रेस के पार्षदों ने, जो बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया मौजूद थे, उनको घेरने की कोशिश की और भाजपा के सत्ताधारी बोर्ड को घेरने की कोशिश की, तख्तियां लहराई और काफी हंगामा हुआ, नारेबाजी भी हुई। और उससे पहले जनता सेना ने भी नगर निगम का जो सभागार है जहां बैठक हुई, उससे बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तो कुल मिलाकर चौतरफा जो है भाजपा के सत्ताधारी बोर्ड को घेरने की कोशिश हुई। इन सबके बीच में हालांकि 385 करोड़ रुपयों का जो भारी भरकम वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट था, वो अनुमोदित कर दिया गया। बजट पास हो गया है। चलिए जी रवि बताएं। जी देखिए, बस इसमें सबसे बड़ा जो फैसला था वो ये था कि नगर निगम के पार्षदों का जो भत्ता है उसको 3700 से बढ़ाकर 10000 का प्रस्ताव पारित किया और उसे राज्य सरकार के लिए भेज दिया है। लेकिन इससे पहले काफी देर तक कांग्रेस के पार्षद जो है बजट बैठक में हंगामा करते तो हंगामा होता रहा, लेकिन कई महत्वपूर्ण चीजें और साथ ही में जो बजट है उसको पास कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जानकारी के लिए।